बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के वन ऑफ द मोस्ट अवॉटेड फिल्म जवान 7 सितंबर को फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में सुपरस्टार शाहरुख खान के लुक्स और उनके एक्शन देखने को मिलेंगे। जवान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एटली कुमार ने किया है। इस मूवी के लीड में आपको शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा दिखाई देंगी। नयनतारा जवान मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, साथ ही साथ एटली कुमार बॉलीवुड में जवान मूवी से ही डेब्यू कर रहे हैं। जवान मूवी कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो समाज में फैली बुराइयों और गंदियों को साफ करने की कोशिश में है। यह मूवी में शाहरुख खान के डबल रोल है। क्या जवान मूवी, पठान, RRR, KG चैप्टर 2, बाहुबली 2, दंगल, गदर जैसी मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट करके बताइए। जवान इस साल की सबसे बड़ी एक्शन और एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली है। आपको क्या लगता है, जवान मूवी कितनी कमाई करेगी? क्या यह दंगल मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट करके बताइए। जवान मूवी पहले दिन यानी आज अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 70 से 80 करोड़ कलेक्शन कर रही है। ओवरसीज में इस मूवी ने 20 करोड़ कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्ड वाइड इस मूवी में 150 करोड़ कलेक्शन किया है। इस साल की सबसे बड़ी ओपनर मूवी बनने जा रही है जवान, जहां जवान मूवी ने अपने मॉर्निंग में ही लगभग 50 करोड़ कलेक्शन किया है, वहीं इवनिंग और नाइट तक इस मूवी ने लगभग 30 से 40 करोड़ कलेक्शन कर रही है। जवान मूवी नयनतारा और एटली कुमार की पहली बॉलीवुड मूवी है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जवान मूवी एक पैन इंडिया मूवी है जो भारत कई भाषाओं में रिलीज हो रही है। ये मूवी दुबई में भी